ऑफ है बेस्ट फोन अंडर 10,000। तो हाँ दोस्तों, वैसे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर में आपको काफी सारे फोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उन 5 फोन के बारे में बताने वाला हूँ जिनको बाय करना एक वर्थफुल डील होने वाली है, जहाँ पे आपको बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस और काफी अच्छे डिस्प्ले की क्वालिटी मिलने वाली है, और यहाँ तक कि आपको 8 GB तक की रैम और टॉप नॉच का यूजर एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, और उसके अलावा अदर भी काफी सारे कमाल के अच्छे स्पेसिफिकेशन भी मिलने वाले हैं। तो हाँ चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है अपने इंडियन कंपनी का सुपर स्टाइलिश डिवाइस लावा ब्लेस 2 5G। और देखो 10-11 हजार के अंदर में ज्यादातर फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, बट इसमें आपको प्रीमियम ग्लास बैक दिया गया है। और देखो इस प्राइस पॉइंट के अंदर में यह पहला फोन है जिसके बैक में आपको रिंग लाइट दिया गया है, और उसके अलावा इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है विद 90 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और उसके अलावा 180 Hz का TSR और 450 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। एंड ऑल्सो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से जज करें तो इसका डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 18W के टैप सी चार्जिंग को। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और सेकेंड कैमरा VGA सेंसर दिया गया है जो टोटली अनयूजेबल है, और सामने की तरफ आपको पंच होल में 8 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो इसका कैमरा एवरेज काम करता है, और आप इसके मेन कैमरा से 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G 8 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और देखो 4 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर कर जाता है, और ये चिपसेट 7nm पे बेस है, और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 1 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है, और इसमें आपको IP52 की रेटिंग भी दी गई है। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4/64 का प्राइस 10,500 पड़ता है, और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो आप इस डिवाइस को Amazon से बाय कर सकते हो। और यदि आपको 10-11 हजार के प्राइस पॉइंट के अंदर में 8 GB रैम वाला फोन बाय करना है तो आप लावा ब्लेज 5G को बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए, अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 4th नंबर पे आता है Redmi 13C। और देखो यदि आपको 10,000 के अंदर में एक Redmi का बेस्ट फोन बाय करना है जिसका डिजाइन भी काफी अमेजिंग हो तो इस फोन को कंसीडर किया जा सकता है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.74 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई विद 90 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और उसके अलावा 600 nits की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन दी गई है। एंड ऑल्सो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, और इसका वेट 192 ग्राम है, और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी अमेजिंग लगता है। और इसके साथ इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 18W के टैप सी चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 nm पे बेस है, और ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड इसका एंटूटू स्कोर कर जाता है। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है, और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 1 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और सेकंड कैमरा VGA सेंसर दिया गया है, और आगे की तरफ आपको 5 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है, और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 10,500 पड़ता है। यदि आपको रेडमी का कोई लेटेस्ट और स्टाइलिश 5G फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को Amazon से बाय कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं, और 3rd नंबर पे आता है Realme Narzo C65 5G। और देखो ये फोन इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और देखो 10,000 के अंदर में आप इस फोन को वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन बोल सकते हो। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 600 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और वैसे तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, बट ये स्मार्टफोन दिखता काफी अमेजिंग है, और इसका वेट 192 ग्राम है, और उसके अलावा इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 15W के टैप सी चार्जिंग को। और बात करें इसके कैमरा की तो इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और सेकेंड कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो टोटली अनयूजेबल है, और सामने की तरफ आपको पंच होल में 8 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे, और इसमें आपको गेमिंग के लिए मीडिया
साइनटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट दिया गया है, विच इज बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर, और 430,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर कर जाता है। और आप इसके ऊपर पबजी को 40 FPS पे मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और उसके अलावा इसमें आपको LPDDR4 फ्लेक्स की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 464 का प्राइस 10,500 पड़ता है। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है Moto G 34 5G। और देखो 10,000 के अंदर में ये फोन काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ टॉप नॉच की यूजर एक्सपीरियंस भी दी गई है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 580 nits की पीक ब्राइटनेस, और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है। एंड ऑल्सो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है। और बजट के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। और उसके अलावा इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो सपोर्ट करती है 18W के टैप सी चार्जिंग को। और इसके प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G के 13 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं, और ऑलमोस्ट 430,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है, और आप इसके ऊपर पबजी को 40 FPS पे मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और बात करें इसे कैमरा की, तो इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है विद अपर्चर 1.8, और सेकंड कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो टोटली अनयूजेबल है। और सामने की तरफ आपको पंच होल कटआउट में 16 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो 10-11 हजार के अंदर में इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन में से एक है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 4128 का प्राइस वैसे तो 11,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 10,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं, और फर्स्ट नंबर पे आता है Poco M6 Pro 5G। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.79 इंचेस की फुल HD+ IPS डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 240Hz का TSR और 550 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। एंड ऑल्सो इसमें आपको डबल स्पीकर और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और देखो मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग लगा, जिसपे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और उसके अलावा इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो सपोर्ट करती है 18W के टैप सी चार्जिंग को। और बात करें से कैमरा की, तो इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है विद अपर्चर 1.8, और सेकंड कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो टोटली अनयूजेबल है। और सामने की तरफ आपको पंच होल में 8 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पर, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसपे 5G 7 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और ये चिपसेट 14 nm पे बेस है, और ऑलमोस्ट 430,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर कर जाता है। और उसके अलावा इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 628 का प्राइस 10,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो, तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।